हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। कैसे हो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आज मैं बना रही हूँ चौली की सब्जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सफ़ेद चौली की सब्जी बना रही हूँ। तो ये चौली को मैंने बॉईल कर दिया है। ये चौली को भिगाना नहीं होता है, इसे डायरेक्ट कुकर में बॉईल करना होता है। तो मैंने 3 व्हिसल बजा के इसको बॉईल कर दिया है। ये चौली कुछ इस तरह से, इसे चौला भी कहते हैं, चौली भी कहते हैं, लोबिया कहते हैं, बहुत से नाम, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही में मैंने मसाले के लिए टमाटर लिए हैं, प्याज लिया है, ये सूखा वाला नारियल है जिसे गोला कहते हैं, आप हरा वाला भी ले सकते हो, और हरी मिर्च ली है। तो इसका हमें मसाला बनाना है, लेकिन इसके पहले हमें इसे अच्छे से भून लेना है तेल में। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, मैंने राई का तेल लिया है। तो अभी इसमें हमें ये जो हमने मसाले के लिए जो काट के रखा था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और गोला, उसे हमें भून लेना है। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ। अभी इसे हमें अच्छे से भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। इस तरह से मसाला जब भी हम रेडी करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अभी इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मसाला मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, और अभी इसे ठंडा करने के बाद इसकी हमें पेस्ट बना लेनी है। तो अभी इसे मैं ठंडा करने के लिए रखती हूँ। मैंने मसाला पीस लिया है जो हमने अभी भुना था, उसे एकदम बारीक मैंने पेस्ट बना दी है, लेकिन पानी नहीं डाला है। पानी हम जब भी सब्जी में डालेंगे तभी इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है। इसमें हमें पानी डालना है अभी, और इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। लिया है राई का तेल, लिया है गरम करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें हमें जीरा डालना है, एक सूखी वाली लाल मिर्च डालनी है, हींग डालनी है, और जो हमने मसाला अभी बनाया जो हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर का, उसे डालना है। और अभी इन मसाले को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, क्योंकि हमने जो पेस्ट बनाई है वो तो हमारी भुनी हुई है, लेकिन हमें मसाला भुनना है पहले। तो अभी देखिए मसाले में हमारा उबाल आना शुरू हो चुका है। तो हमने जो पेस्ट बनाई थी उसे डालनी है। गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दी है। पेस्ट को हमें सूखे वाले जो हमारे मसाले थे उसके साथ थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो अभी इसमें हमें चौला डालना है जो हमने बॉईल करके रखा था उसे, और मिला देना है अच्छे से। सारे मसाले के साथ चौली को अच्छे से मिला दिया है। अभी इसमें हमें पानी डालना है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहो उस हिसाब से इसमें पानी डालिए, और इसे उबलने देना है ताकि सारा मसाले का फ्लेवर ये चौले में अच्छे से आ जाए। तो अभी पानी डालने के बाद इसमें हमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ ये सब्जी एंजॉय कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक को हमें अच्छे से मिला देना है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है हमारी सब्जी का। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी सबसे आखिर में हमें 1 चम्मच मलाई डालनी है, और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सब्जी हमारी अच्छे से उबल चुकी है और सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अभी सबसे आखिर में हमें कसूरी मेथी डाल देनी है। आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हो या कसूरी मेथी भी डालिए, और अभी सब्जी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी चौली की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो, चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है।
तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।